हेलो फ्रेंड्स, मैं अल्पेश गज्जर, आपका दोस्त। आज मैं फिर कुछ कहना चाहूँगा मोदी केयर के बारे में। मैं मोदी केयर 6 साल से कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको, 6 साढ़े 6 करोड़ ग्रोस इनकम है, जैगुआर कार भी खरीदी है। लेकिन लोग डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनते ही भागने लगते हैं, बिकॉज उनको अभी पता ही नहीं कि इस इंडस्ट्रीज की ताकत क्या है। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि लोगों की सोच के बाहर है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है। ये बात अलग है कि इंडिया अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया उसके अंदर, क्योंकि गलत लोगों ने बहुत पैर रख दिए और दैट्स वाई लोगों का विश्वास उठ चुका है। लेकिन ऊपर वाले ने हमें कॉमन सेंस दिए, समझने की क्षमता। अगर आपको कुछ भी मोदी केयर के अंदर गलत लगता है तो आप आज से मुझे बता दीजिए, मैं खुद बंद करता हूं। लेकिन अगर गलत नहीं है तो आप एक सेकंड भी वेट मत कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको भी बहुत सारे सपने होंगे, आपको भी पैसे की जरूरत होगी, आपके भी कुछ अपना वजूद बनाना होगा अपनी लाइफ के अंदर। ये काम धेनु गाय है, आपको सारी चीजें एक साथ दे देगी। इज्जत, शौहरत, पैसा सब कुछ इसमें मिलता है और आपका एक भी रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट है नहीं हारने की हिम्मत, आपका कमिटमेंट, आपका डिटर्मिनेशन पावर और आपका निरंतर प्रयास। अगर आप वो करने के लिए तैयार हो तो ये बड़ा आसान है। लोग नसीब की बात करते हैं और डेफिनेटली नसीब उन्हीं को साथ देता है जो खुद को साथ देते हैं। और हर चीज मुझे लगता है कि लाइफ में आपके दृष्टिकोण के ऊपर डिपेंड करती है। और इसलिए कहते हैं कि दर दर भटकता रहा परिस्थिति बदलने को गालिब, दर दर भटकता रहा परिस्थिति बदलने को गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थिति उसी वक्त बदल गई। तो सेम आपका दृष्टिकोण क्या है वो डिपेंड करता है। जो काम नहीं आता वो हमें हमेशा डर लगता है, कार नहीं आती कार से डर लगता है, तैरना नहीं आता तैरना, लेकिन जिसको आता है आप उसको जाके पूछिए, वो बोलेंगे बड़ा आसान है। जिनको इंग्लिश बोलना आता है आप उनको पूछिए, बोले बड़ा आसान है। लेकिन जिनको नहीं आता वो डर जाएंगे कि इंग्लिश, अरे बाबा। सेम मोदी केयर कोई बड़ी चीज नहीं है, जिस दिन आना आ जाएगा आपको भी आसान लगेगा। और मैंने बचपन से एक चीज सीखी है कि कोई काम मुझे नहीं आता ये सच हो सकता है, लेकिन मैं सीख नहीं सकता ये नहीं हो सकता। तो ये कोई 5-10-25 हजार रुपए की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 12-15 लाख महीने के कमा रहा हूं, उसके लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। तो वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा हुआ है। हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हम कमजोर है पैरों से, लेकिन हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की, ये दिमाग है हमारे पास। हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने जेट ट्रेन डिजाइन किया और जेट की स्पीड होती है 23,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ईगल थक सकता है, जेट प्लेन नहीं थकता। और ये इंसान की डिजाइन है, उसी इंसान का बच्चा मैं हूं, उसी इंसान के बच्चे आप हो। आप ये कैसे बोल सकते हो कि आपसे नहीं हो सकता। यहां इन्वेस्टमेंट की बात होती है, आप पीछे हट जाते, समझ में आ जाता। मैं एकेडमिकली पूछता कि आप ग्रेजुएट हो तभी आप कर सकते हो, तो आप पीछे हट जाते, समझ में आता। मैं खुद 12वीं कक्षा 4 रहा हूं, मैं ग्रेजुएट नहीं हूं, लेकिन हाँ एटीट्यूड है मेरे अंदर, सीखने की चाहत है, अपने आप को बदलने की ताकत है और बड़ी सोच है। इंसान की MRP उसकी पढ़ाई, उसका बैकग्राउंड, उसकी जात, वो मेल है फीमेल है, गांव से शहर से नहीं होती। इंसान की MRP उसकी सोच होती है और सोच जितनी बड़ी होगी जीत उतनी ही बड़ी होगी, यकीन मानिए। तो आइए, मैं आपके साथ हूं मोदी केयर के अंदर, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। हम लाखों करोड़ रुपये कमाएंगे तो सही, बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी बदलेंगे, क्योंकि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं उसकी वजह से लोग हमें मरने के बाद याद नहीं रखेंगे, लेकिन हमने उनकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया उसकी वजह से याद रखेंगे। तो आइए कुछ कंट्रीब्यूट करें हमारे देश के लिए, इस दुनिया के लिए, और डेफिनेटली खुद के लिए तो पूरी दुनिया जीती है, चलो कुछ औरों के लिए भी जीते। और मैं आपके साथ हूँ उसके लिए। लोग पूरी लाइफ खत्म कर देते हैं अपनी जिंदगी को बिल्ड करने के लिए। यहां हमारे पास आज मौका है जो मोदी केयर ने मुझे बनाया है, क्योंकि आपको मेरी जगुआर दिखती होगी, मेरी इनकम दिखती होगी, मेरी प्रॉपर्टी दिखती होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी केयर ने मुझे एटीट्यूड दिया है। और जब भी मैं मीटिंग सेमिनार्स लेता हूं तो मुझे यकीनन पता होता है कि वहां 500 लोग बैठे, 1000 बैठे, 2000 बैठे, उसमें एक की लाइफ जरूर बनेगी। यानी कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ मिला के भी खुद की लाइफ बिल्ड नहीं कर सकता। मुझे पास मौका है, मैं एवरीडे एक इंसान की लाइफ बिल्ड कर सकता हूं। और ये एटीट्यूड मैंने मोदी केयर से कमाया है। मैं ऐसा था नहीं, मैं ऐसा बन चुका हूं। आप ऐसे हो नहीं लेकिन बन जाओगे। जहां पे आज आप हो मेरा कल था, और जहां पे मैं आज हूं वो आपका कल हो सकता है। तो आइए मिलके मोदी केयर करें, डट के मोदी केयर करें, डायरेक्ट सेलिंग के लिए पॉजिटिव हो जाइए। और जमाना बदल रहा है, अपनी सोच को बदलिए। नहीं कर सकता वो बात भूल जाना, शर्म हटा देना। अगर अमिताभ बच्चन साहब को नवरत्न तेल बेचने में, चपरासी का सूट पहनने में शर्म नहीं आती, अगर अक्षय पाजी को टॉयलेट हार्पिक से टॉयलेट धोते हुए शर्म नहीं आती, अगर
विराट कोहली को वो टैक्सी चलाने में शर्म नहीं आती, तो फिर मुझे और आपको मोदी कर करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।